Hello and welcome to Word List 47. In this word list, there are 10 words, and today we are going to learn about these 10 words. These words are affluent, bard, condone, dilatory, exhort, insane, maxim, blessed, revel, venerate. The first word is affluent, means rich, wealthy, daulatmand, ameer insaan. Mr. John was affluent, owning a huge house, three cars and an island near Maine. Means Mr. John, he was so wealthy, वो बहुत अमीर शख्स था. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक आदमी है और वो काफ़ी अमीर लग रहा है उसके गेटअप से, और उसके हाथ में जो है वो काफ़ी जो है वो यू कैन से मनी, ग्रेट अमाउंट ऑफ मनी है. नेक्स्ट वर्ड इज़ बार्ट, मीन्स अ पोइट, ऑफन अ सिंगर एज वेल. यू कैन से के शायर, ऐसा शायर जो साथ अपनी शायरी को बोल के सुनाए. शेक्सपियर इज़ ऑफन कंसिडर्ड द ग्रेटेस्ट बार्ड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. शेक्सपियर जो है वो यूजली उसको हम कहते हैं कि वो बहुत एक बड़ा शायर है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक पोर्ट्रेट बना हुआ है विलियम शेक्सपियर का. नेक्स्ट वर्ड इज़ कंडॉन, मीन्स टू पार्डन डेलिब्रेटली ओवरलुक. आप माफ़ कर दें किसी को या आप इग्नोर कर दें किसी को कोई चीज़. वी डू नॉट कंडोन डोमेस्टिक वायलेंस. हम जो है वो जो डोमेस्टिक वायलेंस करता है जो भी इंसान, तो हम उसको जो है वो माफ़ नहीं करते. वैसे हम माफ़ कर देते हैं कुछ चीज़ें. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि अ मैन इज़ बिहाइंड द बार्स, और मे बी बिकॉज क्योंकि उसने जो है वो कोई ऐसा डोमेस्टिक वायलेंस वाला काम किया. नेक्स्ट वर्ड इज़ डायलेट्री, टेंडिंग टू डिले, कॉजिंग डिले. आप कह सकते हैं कि बहुत सुस्त इंसान होना या सुस्त काम करना. अनहैप्पी विद हर जॉब, द सेक्रेटरी परफॉर्म्ड एवरी टास्क एट अ डायलेट्री स्पीड. क्योंकि वो अपनी जॉब से ना खुश थी, तो वो हर काम जो है वो बहुत ही स्लो स्पीड पे करती थी, जो बहुत सुस्त अंदाज में करती थी. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक सेक्रेटरी है और वो जो है वो काम भी कर रही है साथ, वो किसी से कॉल पर भी बात कर रही है और वो मेकअप भी कर रही है अपना. तो डेफिनेटली इसकी वजह से जो उसका काम है वो थोड़ा स्लो हो जाएगा. नेक्स्ट वर्ड इज़ एग्जॉर्ट, मीन्स टू अर्ज, प्रॉड, स्पर. आप किसी को जोश बढ़ाना, किसी को हौसला देना. हेनरी एग्जॉर्टेड हिज कोलीग्स टू जॉइन हिम इन प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द यूनिवर्सिटीज़ हायरिंग पॉलिसीज़. हेनरी ने अपने सारे कोलीग्स को बोला था कि उनकी जो यूनिवर्सिटी है वो उनकी हायरिंग पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, तो उसके लिए हम सारे जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं, तो आप सारे उसमें आएँ. तो उसने उन सबको हौसला दिया था कि आइएगा उसमें. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक प्रोटेस्ट चल रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ इनसेन, मीन्स सिली एंड मीनिंगलेस. आप कह सकते हैं कि बहुत ही बचकाना चीज़ हो, उसकी वजह से जो है वो आप पागलों वाली हरकत करें. शी वॉज इनसेन विद जेलसी. वो जो है वो जेलसी की वजह से जो है वो पागलों वाली हरकतें कर रही थी. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक जो है वो एल्डर सिस्टर है, बड़ी जो है वो बहन है, और वो इस बात पे जेलस हो रही है कि उसकी जो मदर है वो अपने छोटे उसके मतलब छोटे जो भाई को क्यों लाइक उससे क्यों टाइम दे रही है, उसे क्यों प्ले कर रही है. नेक्स्ट वर्ड इज़ मैक्सिम, मीन्स अ कॉमन सेइंग एक्सप्रेसिंग अ प्रिंसिपल ऑफ कंडक्ट. कहावत यू कैन से इसको हम कह सकते हैं. आफ्टर जेनेट रिसीव्ड अ जाइगेंटिक डायमंड रिंग इन अ स्मॉल बॉक्स, शी ट्रूली बिलीव दैट मैक्सिम अबाउट बिग थिंग्स कमिंग इन स्मॉल पैकेजेस. जब उसको छोटे से बॉक्स में एक बड़ी सी रिंग मिली, तो उसने इस कहावत पे यकीन कर लिया कि हमेशा जो बड़ी चीज़ें होती हैं वो छोटे, उनके जो पैकेजेस होते हैं वो जो पैकिंग होती है वो छोटी होती है. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक ह्यूज डायमंड रिंग है और वो छोटे से एक बॉक्स में जो है वो है. नेक्स्ट वर्ड इज़ प्लेसिड, मीन्स काम, पीसफुल, खामोश. द प्लेसिड लेक सरफेस वॉज एज स्मूथ एज ग्लास. जो वो लेक था वो बहुत ही स्मूथ था, काम था, और यू कैन से कि वो खामोश था बिल्कुल, लाइक उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी. इस पिक्चर में भी हम देख सकते हैं कि एक बहुत ही लाइक स्मूथ लेक है, कि हमें आइडिया भी नहीं हो रहा कि लाइक वो लेक है किधर, वो पेंटिंग की तरह का लग रहा है. नेक्स्ट वर्ड इज़ रेवल, मीन्स टू इन्जॉय इंटेंसली. खुश होना किस चीज़ पे. यंग मैन रेवल इन डूइंग डेंजरस टास्क. जो आजकल के यंग पीपल हैं, जनरेशन है, वो कोई भी डेंजरस काम करके उनको खुशी मिलती है. पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक यंग मैन है, एक आदमी है, और वो जो है वो जंप कर रहा है एट द टॉप ऑफ द माउंटेन. तो ये एक बहुत डेंजरस टास्क है, बट वो इस पर खुश हो रहा है. लास्ट वर्ड इज़ वेनरेट, मीन्स टू रिगार्ड विद रिस्पेक्ट और टू ऑनर. आप किसी को इज्जत देना. द ट्रिब्यूट टू हिज सेक्रेटरी सॉट टू वेनरेट हर हार्ड वर्क. जो उसने अपनी जो ट्रिब्यूट दिया था अपनी सेक्रेटरी को, वो इसलिए दिया था कि उसकी जो उसका जो हार्ड वर्क था, जो वो बहुत मेहनत से काम करती थी, उस पर जो है वो उसको थोड़ी सी इज्जत मिल जाएगी, मतलब उसको इज्जत दे वो.
पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक लेडी है और वो मेनली वो सेक्रेटरी हो सकती है, और बॉस जो है वो उससे हैंडशेक कर रहा है, बाकी सारे लोग जो है उसके लिए क्लैप कर रहे हैं, मीन्स कि वो सारे उसको जो है वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं. दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.